खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज है सुहागनों का त्योहार करवा चौथ, यानी कि पति की लंबी आयु के लिए आज सभी सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यहां तक कि इस व्रत के पीछे का जो भाव है वो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर चलने वाला है। परिवार के अंदर शांति रहे, सुख समृद्धि आए। अब इसकी तैयारियां आपको किस प्रकार करनी थी ये तो गुरुजी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज के दिन आपको किन बातों का रखना है ध्यान, कैसे करनी है पूजा और कैसे रिश्ते मधुर बने रहेंगे, परिवार में खुशी शांति सब आएगी, इसी पर हम गुरुजी से बातें करेंगे और साथ ही रोजमर्रा वाली बातें होंगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। राम राम गुरुजी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम, और सभी माताओं बहनों को जो आज ये उपवास कर रही हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, उनके जीवन में खूब खुशियां आए, उनकी गृहस्थी खूब फले फूले, इस कामना के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। गुरु जी, करवा चौथ के व्रत की कुछ खास बातें बताइए या फिर कोई ऐसा उपाय जिससे ये व्रत सफल हो जाए। जी हाँ, देखिए ये एक ये शास्त्र में निहित है इस व्रत के बारे में। धर्म सिंधु है, निर्यन सिंधु है, वृतराज है, यहाँ पर इस व्रत के बारे में लिखा हुआ है कैसे ये व्रत करना है, इसकी महत्ता क्या है। और देखिए, कोई भी व्रत हो, कोई भी हठ योग हो, जब हम करते हैं तो प्रभु फिर सुनते हैं। दो तरीके से सबको परिणाम मिलते हैं। एक जो हमारी तकदीर में लिख के आया है, जिसे हम कुंडली के रूप में देख लेते हैं, और दूसरा होता है हमारा हठयोग। ये हठयोग जब हम अपने इष्ट के सामने करते हैं और उनसे एक निवेदन करते हैं कि जो मेरी दिक्कतें परेशानियां हैं इसको पूरे करिए, ये मेरा हठ है, आप इसे पूरा करिए, मैं उपवास रखूंगा, इतना जप करूंगा या मैं उपवास रखूंगी, ये पूजा करूंगी आदि आदि, तब प्रभु भी सुनते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपवास है और इस उपवास में पुरुषों का भी सानिध्य पूरा मिलना चाहिए स्त्रियों को। वो ये नहीं कि वो तो अपना मस्ती से खा रहे हैं, स्त्रियां किचन में खाना ही बनाने में लगी हुई हैं, ऐसा नहीं हो, दोनों मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। इसलिए हर हठयोग पूजा में दोनों को ही साथ देना चाहिए एक दूसरे का। शाम को चांद देखिएगा, मुहूर्त में बताऊंगा, चंद्रमा देखने के बाद आप अपना व्रत पूर्ण कीजिएगा। और निश्चित रूप से जब पति पत्नी मिलकर हठयोग करते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी बेहतरियां होती हैं। तो वाकई करवा चौथ त्योहार जो है वो केवल महिलाओं के ही व्रत रखने का नाम नहीं है। गुरुजी ने आपको कितने सुंदर तरीके से समझाया कि पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर इस व्रत की सुंदरता को और बढ़ाना होता है। आगे ढेर सारी बातें हम गुरुजी से जानेंगे और पूजा और उसका सही वक्त भी, लेकिन पहले राशिफल जान लीजिए। गुरुजी, पहली चार राशियों का दिन कैसा? और दान का क्या सामान होना है वो जरूर समझ लीजिएगा। और फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल सुनिए। मेष राशि, ये दिन आपके लिए बेहतर है, मेहनत करेंगे लाभ जरूर होगा, विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई से बनाए गए नोट से लाभ होगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, आपको अपने गले का और जिन लोगों को श्वास संबंधी यदि कोई दिक्कत रहती है तो उसका ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान दीजिए, अपने काम पर जुटिए। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, कुछ परेशानियां रहेंगी लेकिन धैर्य रखें, धीरे धीरे उसका निस्तारण भी होगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन धन के लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी है। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको आटे का दान जरूर करना है। मिथुन राशि, धन की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर है और आपको एक सावधानी रखनी होगी स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन फिर भी भाग्य पक्ष ठीक होने की वजह से यह दिन आपको नुकसान नहीं देगा, धैर्य जरूर धरना पड़ेगा। उपाय क्या करेंगे, ओम गणपतये नमः का जप कीजिए, मन को शांत कीजिए और काम पर जुटिए, ठंडी चीजें दिन मत खाइएगा। कर्क राशि,
आपके लिए ये दिन अच्छा है, धीरे धीरे सही, लेकिन आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। भाई बहनों से भी आपको मदद मिलती दिखाई दे रही है, निजी रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे, लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन धन के मामले में दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए कहीं निवेश सोच समझ के करें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान कीजिएगा तथा गौ माता की सेवा अवश्य कीजिएगा। तो ध्यान से नोट करते चलिए, जो भी आपकी राशियों के हिसाब से उपाय हैं और जो सावधानियां मतलब जो नहीं करना है उसे भी आप ठीक प्रकार से नोट करें। और अब आज की परवरिश टिप गुरुजी वो क्या है? एक छोटी सी बात है, पति पत्नी चाहे आपस में कितना भी प्रेम करें, कभी ना कभी तो खटपट होती ही है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि उस खटपट में अपशब्दों का प्रयोग ना करें और बच्चों के सामने इन शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। और उनके सामने हमेशा पति पत्नी को ये उदाहरण देना चाहिए कि देखिए जिंदगी में किस तरीके से एडजस्टमेंट करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो उनका भी जीवन फिर बेहतर होने लगेगा। तो अगली बार जब भी बच्चों के सामने बातचीत करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किस माहौल और मूड में बात करते हैं, उससे बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और अब उन लोगों की बात जिनका है आज जन्मदिन, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? तो जिनका भी आज जन्मदिन है हम लोग की ओर से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, जम के मेहनत कीजिएगा, विद्यार्थियों को विशेष लाभ हो सकता है। जो लोग कुछ नया सीख कर पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में बेहतर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। इसलिए खूब मेहनत से आगे बढ़े, बस 2-3 चीजों का ख्याल रखें। घमंड से, गुस्से से, गले और लिवर की खराबी से आपको बचना होगा और बहुत विनम्रतापूर्वक अपना कार्य लगातार करते जाना होगा, उससे आपकी सक्सेस होगी। आपको सीनियर का, बुजुर्गों का, शिक्षकों का, गुरुओं का साथ भी मिलेगा। उपाय के तौर पर आप एक नियम बना लीजिएगा, हल्दी लगा के आलू बृहस्पतिवार को गौ माता को जरूर दे दिया कीजिएगा। बस देखिएगा धीरे धीरे तरक्की होगी, लेकिन वाणी बहुत मधुर रखनी है और बुजुर्गों से, शिक्षकों से, गुरुओं से, बॉसेस से बहुत अच्छा व्यवहार करना है। ऑल द बेस्ट। देखिए कितना आसान सा उपाय है, साल का हाल भी आपको पता चल गया, लेकिन बस उपाय करना मत भूल जाएगा। गुरु जी कोई विशेष उपाय है जिससे आज की जो पूजा है, जो हमारी व्रत रख रही हैं महिलाएं, वो सफल हो जाए? जी हाँ, देखिए एक तो हठयोग हुआ कि जल भी नहीं ले रहे, निर्जल व्रत है, ये व्रत निर्जल होता है, बड़ा कठिन होता है देखा जाए तो। ठीक, उसके बाद आपने चांद आदि देखकर, जिसका समय मैं अभी बताऊंगा, उस सही मुहूर्त में ही सही कार्य कीजिएगा, तो आपने उपवास पूर्ण किया। लेकिन दान का सामान नोट कीजिए, आजकल जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो ग्रह दशा चल रही है, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं समाज में, गृहस्थियों में, उसके अनुसार मैं आपको एक दान सामग्री बताता हूं। कोई भी अन्न ले लीजिए, अपनी पॉकेट के अनुसार उसकी क्वांटिटी ले लीजिएगा। एक कंबल ले लीजिएगा, लोहे का कोई सामान या बर्तन ले लीजिएगा, या किचन में के जो लोहे के सामान का प्रयोग होता है वो सामान ले लीजिएगा और इसको आपने बांट देना है। आज रात समय नहीं भी मिले तो कल तो निश्चित रूप से ये जरूरतमंद को दे दीजिएगा। अगर इसे किसी विधवा स्त्री को देती हैं जिसको जरूरत भी हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक और बात ध्यान रखनी है, इस दिन पतियों को अगर संभव हो सके, आपको ठीक लगे, तो अपने पतियों के रक्षा सूत्र अवश्य बांध लीजिएगा। ठीक है, ये रक्षा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। धागा केवल बहन भाई के मध्य नहीं होता है, ये मूलतः रक्षा सूत्र है। तो रक्षा सूत्र अगर आपको ठीक लगे तो जरूर बांधिएगा, खास तौर से यदि आपके पति किसी घोर समस्या से गुजर रहे हैं तो।
ये कितनी नई और महत्वपूर्ण बात गुरुजी ने आपको याद दिलाई है, रक्षा सूत्र बहुत अहम है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए कि करवा चौथ के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी है। और अब दिन का शुभ अशुभ समय भी जान लीजिए गुरुजी, वो क्या रहेगा? पहले अशुभ समय नोट कीजिए, फिर शुभ समय नोट कराता हूँ। धूमुहूर्त रहेगा 10:13 से 10:58 तक। दूसरा धूमुहूर्त होगा दोपहर में 2:45 से 3:30 तक। गुलिक काल होगा सुबह 9:16 से 10:41 तक। यमगंड काल होगा सुबह 6:27 से 7:51 तक। और राहु काल रहेगा दोपहर में 1:31 से 2:56 तक। शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:44 से 12:29 तक। और अमृत काल होगा दोपहर में 1:20 से 3:02 तक। तो ध्यान रहे, दिन का कोई भी महत्वपूर्ण काम, इम्पोर्टेंट मीटिंग, कुछ नया या बड़ा करना है तो आप शुभ समय को जरूर ध्यान में रखें। और अब बीच की चार राशियों का हाल गुरुजी, उनका राशिफल। सिंह राशि, यह दिन बहुत संभल के चलने का है, बहुत सोच समझ कर बोलने का है, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। खास तौर से सामाजिक गतिविधियों में लगे हुए लोग तो विशेष रूप से ध्यान दें, अपने रिश्ते नातों को सहेज कर रखना होगा इस दिन, नहीं तो समस्या होगी। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन आपको अग्नि पर या आग पर काम करते वक्त थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना होगा। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कन्या राशि, संघर्ष है, मेहनत है, लेकिन सफलता भी है, इसलिए आप जम के अपना कार्य करते रहिएगा। लेकिन एक सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर रखिएगा और घर में वाद विवाद ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे आप? पके हुए भोजन का दान अवश्य कर दीजिएगा किसी मजदूर को। तुला राशि, जिन लोगों को कोई इन्फेक्शन रहता है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, सर्दी नजला खांसी जुकाम आपको पकड़ सकता है इस दिन। लेकिन धन आदि के मामले में दिन ठीक है, एक छोटी सी सावधानी जरूर आपको बरतनी पड़ेगी। इस दिन यदि किसी से मिलने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइएगा और थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा। उपाय क्या कर रहे हैं? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने इष्ट की आराधना उपासना कीजिए और बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि, बदले की भावना से किए गए कार्य से आपको नुकसान होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और यदि आप वाहन चला रहे हैं तो स्पीड को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होने की संभावनाएं हैं। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन आपको बहुत धैर्य रखना होगा और हरेक किसी को समझने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो रिश्तों में परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? ओम हनुमते नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। तो राशियों के हिसाब से अपनी सावधानियां उपाय आप नोट करते चलिए। और गुरुजी ने कुछ खास बातें आज इस व्रत को सफल बनाने के लिए भी बताई हैं, लेकिन गुरुजी आज के दिन पूजा का सही मुहूर्त क्या रहेगा? वैसे तो हम लोगों ने कल भी सारे मुहूर्त बताए थे, फिर से नोट कर लीजिए। व्रत का समय शुरू हो चुका है 6:23 से और ये 8:16 तक चलेगा। पूजा का समय शाम को 5:50 से 7:05 के बीच का है। इस समय में जहां पूजा होती है कोई विशेष, वह परिवार पूजा कर लें। चंद्रोदय लगभग 8:16 के आसपास होगा। बाकी आपका शहर जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, वो आप अखबार में देख लीजिएगा अपने शहर के हिसाब से, लेकिन ये लगभग 8:15 के होगा। जब आप चंद्रमा को देख लें, और कौन सा चंद्रमा? जो बिल्कुल उगा हुआ होता है, यद्यपि आजकल शहरों में रोशनी प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि एकदम वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप भी आंख गड़ाए रहिएगा और उसको देख लीजिएगा। देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान शिव को, माता पार्वती जी को, भगवान कार्तिकेय जी को और भगवान गणेश जी को भी आपने प्रणाम करना है, उनकी पूजा करनी है और उसके बाद फिर आप अपना व्रत खोलिएगा। चाहे आप पूजा पहले कर लें और चंद्रमा को जल बाद में दे दें, उसके बाद अपना व्रत खोलिएगा और समस्त पति जी उस समय वहाँ उपस्थित रहें। बहुत मजबूरी है, कोई ऐसा काम निकल गया तो अलग बात है, अन्यथा स्वयं आप वहाँ रहिए। ये आपके लिए है, गृहस्थी के विकास के लिए है और
इसके लिए आपको वहां स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा और उसके बाद वह सारा सामान आप दोनों लोग मिलकर लगा दीजिएगा जो मैंने लिखा है, उसका दान आज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कल जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रभु जरूर आप पर कृपा करेंगे। तो ये हुई पूरे विधि विधान से पूजा और व्रत हुआ संपन्न, लेकिन भूलना कुछ भी नहीं है। और आज के एपिसोड में गुरुजी ने दोबारा आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया है और पतियों के लिए जो खास तौर पर गुरुजी ने कहा है आप जरूर उसको माने। और अब अंतिम चार राशियों की बात, गुरुजी उनका दिन कैसा होगा? यानी धनु मकर कुंभ और मीन राशि की बात। धनु राशि, यह दिन गृहस्थी और पार्टनरशिप की दृष्टि से बहुत कमजोर है, इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। नए रिश्ते इस दिन ना जोड़ें तो अच्छा है, या नए रिश्तों पर आगमन का विश्वास ना करें तो अच्छा रहेगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन अपने सीनियर से बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपको 5 फलों का दान जरूर करना है और हल्दी का तिलक लगाना है। मकर राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, अचानक कोई यात्रा हो सकती है, यात्रा अलबत्ता अच्छी रहेगी, लेकिन एक सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना होगा। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, इस दिन दूध या दूध से बनी हुई चीजों को बांटिएगा और ओम रुद्राय नमः का जप अवश्य कर लीजिएगा। कुंभ राशि, यह दिन पेट और पीठ के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, धन का लेन देन इस दिन ना करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। इस दिन आप ठंडी चीजों से बहुत ज्यादा परहेज कीजिएगा और किसी को धन मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपने लक्ष्मी जी की उपासना करनी है और बहुत शुद्ध सात्विक दिन तरीके से इस दिन को बिताना होगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, लेकिन अचानक कहीं से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है या कोई शुभ समाचार मिल सकता है या कुछ अच्छा होगा, ऐसी आशाएं बन सकती हैं, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाएं और वाहन का ख्याल भी रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, सरसों के तेल का दान अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब राशि फल आपने जान लिया और साथ ही आज के दिन करवा चौथ का जो व्रत है उसे कैसे आपको पूरा करना है, घर पति बच्चे सबके कुशल मंगल रहने की कामना करनी है, सब कुछ आपने जान लिया। अब बारी है उस विचार की जो हम सबका दिन बना देता है। गुरुजी आज का विचार, छोटी सी एक बात है लेकिन आज के दिन के हिसाब से कह रहा हूं, सौ शब्दों की लड़ाई एक प्यारी सी मुस्कुराहट से खत्म की जा सकती है, इसलिए मुस्कुराइए और चैन की बंसी बजाइए। तो वाकई आज तो दिन भी बहुत शुभ है, मुस्कुराने की एक नहीं बहुत सारी वजह हैं, तो मुस्कुराइए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और सबको पॉजिटिव रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप सबके घरों में खूब खुशियां आए, सारी माताएं बहने उन सबकी गृहस्थियां फले फूले, इसी कामना के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, मैं आपको फिर से इस दिवस की ढेर सारी बधाइयां देता हूं और कहता हूं राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।